गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जून की रात पहलवानों से मुलाकात की जो पिछले 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे। गृह मंत्री से यह मुलाकात खाप पंचायतों की तरफ से केंद्र को 9 जून तक का अल्टीमेटम देने के बाद हुई है। मीटिंग के बाद बजरंग पूनिया ने सोनीपत के गांव मुडलाना में हो रही सर्व समाज की महापंचायत से निवेदन किया है कि फिलहाल कोई बड़ा फैसला ना लें। इसके बाद 5 जून को दिल्ली पुलिस की टीम ने ब्रजभूषण के लखनऊ और गोड़ा स्थित घर पर छापेमारी की है। उनमें 15 कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। अब इस छापेमारी को ब्रजभूषण पर एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत के लिए किए गए फैसले की जानकारी दी है। वहीं टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने 9 जून तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया और पहलवानों पर दर्ज केस वापस नहीं लिया तो खाप नेता खुद पहलवानों को दोबारा धरने पर बैठने जंतर मंतर जाएंगे। वहीं इससे पहले ब्रजभूषण ने 5 जून को अयोध्या में होने वाली अपनी महारैली को भी रद्द कर दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण ने बीजेपी हाईकमान के कहने पर यह कदम उठाया है और हाईकमान ने उन्हें पहलवानों को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है।